पारस अनुपेखा का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं आचार्य श्रीकुंद कुंस्वामी द्वारा विरचित। नविदूण सव सिद्धे ज्ञानोत्तम खवीद दीह संसारे दस दस दो दो वचने दस दो अणुपेहणम वोच्छे नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयिर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा जो इसमें विषय चल रहा है संवर का चल रहा है ना, तो कुछ गाथाएं और रह गई हैं उनको देखते हैं आज। सुहजोगस्स पवित्ति संवरणम कुणदि असुहजोगस्स सुहजोगस्स निरहो सुद्धु सद्धुवजोगेण संभवति। तो क्या कह रहे हैं, अभी तक बताया था कि किन किन जो भी आश्रव के द्वार हैं उनको रोक देने से संवर हो जाता है, ठीक है ना। तो मिथ्यात्व आश्रव मिथ्यात्व कर्म का जो आश्रव है वो सम्यक्त्व से रुक जाता है। फिर जो अव्रत का अव्रति से जो आश्रव हो रहा था अव्रति के जो आश्रव हो रहा था वो पंच महाव्रतों से रुक जाता है। क्रोध आदि कषाय रूप जो आश्रव हो रहा था वो कषाय के अभाव में कषायों को नष्ट करने से रुक जाता है, ठीक है। अब आगे बता रहे हैं शुभ जोगस, शुभ मतलब शुभ, जोग योग, शुभ योग से पवित्ति शुभ योग की प्रवृत्ति। और क्या कह रहे हैं, अशुभ जोगस्य अशुभ योग की प्रवृत्ति। तो दोनों प्रवृत्तियां हमें बताई, अशुभ योग होता है और शुभ योग होता है। तो अशुभ योग का संवर कौन कर सकता है, शुभ योग की प्रवृत्ति, है ना। हमने ये बात समझी थी कि अगर हम ऐसा तो है नहीं हम पाप और पुण्य एक साथ करें, हम पुण्य जिस समय करते हैं उस समय पाप नहीं करते, ठीक है ना। तो इसलिए जब हम अशुभ नहीं करते हम शुभ कर रहे होते हैं, या ये कह लीजिए जब हम शुभ कर रहे होते हैं तब हम अशुभ से बच रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो बचना है ये ही अशुभ का संवर कहलाता है। यहाँ पर यही बात आचार्य भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अशुभ योग का संवर कौन करता है, शुभ योग की प्रवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब उसमें इंडल्ज होना, शुभ योग में इंडल्ज होना, ठीक है। तो जितने भी व्रत आदि अपन कार्य करते हैं, व्रत आदि मतलब जो भी हम भक्ति करते हैं, है ना, तो इस तरह के जो कार्य हैं मंदिर जाना आयतन की सेवा देवशास्त्र गुरु की सेवा ये सब क्या है, शुभ योग की प्रवृत्तियां हैं, इससे हम अशुभ से बच जाते हैं, ठीक है। तो इससे अशुभ योग का समर हो जाता है। और फिर क्या कह रहे हैं, सुह जोगस्य निरोहो शुभ योग का भी निरोध हो जाता है, किससे, शुद्ध जोगेण शुद्ध योग से, शुद्धो योग से शुभ योग का भी निरोध हो जाता है, ठीक है। तो शुद्ध में उपयोग, शुद्ध क्या है, हम बहुत बार इस बात की चर्चा करते हैं कभी कभी ध्यान में भी करते हैं, है ना। शुद्ध योग यानी निश्चय नए से, निश्चय नए से आत्मा क्या है, शुद्ध है ना। अदरवाइज तो जो भी संसार में है सभी अशुद्ध ही है, सभी कर्मों से सहित है और कर्म से सहित अशुद्ध माना जाता है, राइट। लेकिन तब भी एक नए एक दृष्टि हमें हमारी इस आत्मा को
शुद्ध देखने की दृष्टि देती है। ठीक है, उस शुद्ध दृष्टि पर जब हम ध्यान लगाते हैं वो क्या कहलाता है? शुद्धोपयोग। ठीक है, तो वह शुद्धोपयोग उससे क्या होगा? वह शुभ योग का निरोध करता है। शुभ मतलब अच्छी क्रियाओं में जो हम लगे थे, है ना? आप नोटिस करिएगा, शुद्धोपयोग के साथ शुद्ध योग नहीं कहा, ठीक है ना? क्योंकि शुद्ध उपयोग क्या है? मन वचन काय की उसमें जरूरत नहीं रहती, उसमें हम सिर्फ आत्मा का चिंतन या ध्यान की अवस्था कह लीजिए। ठीक है, तो शुद्धोपयोग जो है वो शुभ योग का निरोध करता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है बात? शुद्ध उपयोग क्या हुआ? जब आत्मा के शुद्ध स्वरूप का ध्यान किया जाता है, ठीक है, उसमें स्थित हुआ जाता है, तो वह शुद्धोपयोग। अब आगे क्या कह रहे हैं? शुद्धो जोगेण पुणो धम्मम सुखम च होति जीवस्स तमहा संवरहे दु जानोति विचिन्तयेणिच्छम्। शुद्धव जोगेण, शुद्ध उपयोग से पुणो होते हैं धम्मम धर्म, सुकम शुक्ल च दोनों धर्म और शुक्ल ध्यान, च होदी जीवस्य जीव के धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान होते हैं। तो शुद्ध उपयोग से अभी तक तो अपन यही सोचते आ रहे थे कि शुद्ध उपयोग में शुक्ल ध्यान होता है, लेकिन नहीं, धर्म ध्यान करते करते ही शुक्ल ध्यान की तरफ जाया जाता है। कभी भी ऐसा नहीं होता, मुनि महाराज ये सोचकर नहीं बैठते कि मैं शुक्ल ध्यान लगाऊं, है ना? वो सिर्फ अपने धर्म ध्यान करते रहते हैं और धर्म ध्यान करते करते उसी में ही उनका ध्यान शुक्ल ध्यान की तरफ चला जाता है। शुक्ल ध्यान क्या है? बेसिकली श्रेणी आरोहण करना, ठीक है ना, जो कि सातवें गुण स्थान के अंतिम भाग से स्टार्ट हो सकता है, सातिश्य पुण्य, और आठवां नौवां दसवां ग्यारहवां इस तरीके से अंतर मुहूर्त के लिए होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? जब मुनि महाराज सालों की वर्षों की तपस्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो क्या हर समय शुक्ल ध्यान लगाते हैं? नहीं, उनका धर्म ध्यान चल रहा होता है। धर्म ध्यान में हमें जो ज्ञानानव ग्रंथ जी है ना, उसमें हमें बताया गया है कि फोकस, ध्यान का मतलब क्या आ गया? फोकस, राइट? तो फोकस किधर लगाना? तो पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, है ना, ऐसे ध्यान बताए हैं। तो उसी में ही रूपातीत ध्यान भी होता है। तो जब पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान ये करते करते रूपातीत पर पहुंचते हैं, तब वो क्या कहलाता है? शुक्ल ध्यान कहलाता है, राइट? तो अगेन इसमें शुद्ध उपयोग की तरफ चले जाते हैं। तो शुद्ध उपयोग में ही धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान दोनों को लिया, इसलिए ध्यान तमहा संवर हेतु क्या है? संवर का हेतु क्या है? झाड़ोत्ति, झाड़ मतलब ध्यान, है ना, विचिंतीय निच्चम, निच्चम मतलब निरंतर नित्य, विचिंतीय विचार करना, झाड़ोत्ति ध्यान संवर का हेतु है। हेतु मतलब कारण है, इसलिए ध्यान संवर का कारण है। ठीक है, तो क्योंकि इससे क्या हो रहा है? शुभ और अशुभ दोनों का निरोध हो रहा है। ठीक है, तो ये भी चीज हमें समझने की है, क्योंकि ध्यान से हम कर्म की निर्जरा करते हैं। ठीक है, ध्यान तप है, ध्यान से निर्जरा करते हैं, तो जिनसे निर्जरा होती है उस समय कर्म का संवर भी होता है। ठीक है, तो उस अपेक्षा से ध्यान को संवर का कारण बताया, ऐसा निरंतर चिंतन करना चाहिए। ठीक है, हम कर पाए चाहे ना कर पाए, ठीक है, लेकिन हम इस गाथा को पढ़कर, इसका मीनिंग जानकर, इस गाथा का ही चिंतन करते रहे, तो भी हमारा जो है
शुद्ध धर्म ध्यान तो नहीं हो पाएगा, है ना, जिस अवस्था में हम हैं, गृहस्थ की अवस्था में, लेकिन फिर भी हम अपने ध्यान को, अपने उपयोग को शुभ में लगा सकते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? हाँ, इसके पहले वाली में ये शुद्ध, ये जो है ना, शुद्ध उपयोग के द्वारा शुभ योग का निरोध कैसे हो जाता है? शुभ योग का क्यों निरोध हुआ? शुभ योग में जैसे हम भक्ति कर रहे हैं, है ना, हम मंदिर जा रहे हैं, हम आयतनों की सेवा कर रहे हैं, है ना, जैसे मुनि महाराज को आहार देना, दान करना, राइट, ये सब क्या है, ये शुभ योग है, मन वचन का एक ही क्रिया। ठीक है, तो अभी हम उस क्रिया को भी छोड़कर उससे ऊपर उठ रहे हैं, तो शुद्धोपयोग, जब हम शुद्ध में उपयोग लगा रहे हैं, अपनी आत्मा में ध्यान लगा रहे हैं, तो वह हमें अशुभ और शुभ दोनों से ऊपर उठा देता है। ठीक है, तो उस समय जब शुद्धोपयोग है, तब हम कोई प्रवृत्ति नहीं कर रहे हैं, हम कोई मुनि महाराज की सेवा नहीं कर रहे हैं, या हम कोई भक्ति नहीं कर रहे हैं, इवन मुनि महाराज को भी, जो उनके षड आवश्यक है, ठीक है, उसमें उन्हें सामायिक, स्वाध्याय, है ना, और प्रतिक्रमण और वंदना स्तुति ये करने पड़ते हैं, है ना। तो तो ये मतलब वो सब क्या करते हुआ? करते हाँ, ये सब क्या है, ये शुभ योग है, जो उनके षड इन शुभ का आवश्यक, निरोध होगा तब शुद्ध उपयोग होगा होगा बिल्कुल सही, ओके। मतलब है ना, शुद्ध उपयोग उससे ऊपर हो गया, शुभ योग बिल्कुल, से। शुद्ध उपयोग उससे ऊपर होता है। इनफैक्ट कहा जाता है कि आज के टाइम में शुद्ध उपयोग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शुद्ध उपयोग जो अभी बताया यहाँ पर गाथा नंबर 64 में, शुद्ध उपयोग से जीव के धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान होते हैं। ठीक है, तो धर्म ध्यान से स्टार्टिंग करता है वह जीव, है ना, और धीरे धीरे वह हाँ जीव कौन होगा, शुद्ध उपयोग कौन लगा सकता है, मुनि महाराज, है ना। तो मुनि महाराज धर्म ध्यान करने बैठे, करते करते और इतनी एकाग्रता हो गई कि शुक्ल ध्यान में प्रविष्ट कर गए। ठीक है ना, तो ऐसा मान कर नहीं बैठते कि वो शुक्ल ध्यान में बैठेंगे, या आज शुक्ल ध्यान लगाकर और कर्म की निर्जरा करेंगे, श्रेणी आरोहण करेंगे, ऐसा नहीं सोचते, बस उनका हो ध्यान जाता है। लाए, हाँ, वो बस अपने ध्यान में बैठते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए ध्यान संवर का कारण है ऐसा निरंतर विचार करना चाहिए। अब तो थैंक यू। ये अगली गाथा है, ये लास्ट गाथा है एक्चुअली संवर की, इसके बाद की जो दो गाथाएं हैं वो निर्जरा अनुप्रेक्षा की गाथाएं हैं। ठीक है, उन्होंने इसको इसी में ले लिया है, जो विषय है वो निर्जरा का है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जीवसण समरणम परमट्ट एण सद्भावादो समर भाव विमुखम अपानम चिंतयेणिच्चम। तो क्या कह रहे हैं, जीवसण संवरणम, जीव का संवर नहीं, जीव के संवर नहीं होता, कब नहीं होता, परमठ नयेन, नयेन मतलब, नयेन मतलब नए, परमठ मतलब परमार्थ नए या निश्चय नए से, ठीक है, जीव के संवर नहीं होता, क्यों, क्योंकि वह शुद्ध भाव से सहित है, जो आत्मा है वो शुद्ध है, और शुद्ध के फिर संवर क्या और निर्जरा क्या, है ना, जैसा ये बात हर आश्रव के समय पर भी कही गई थी, राइट, कि जीव के आश्रव नहीं होता, राइट, किस अवस्था में या किस नए से, निश्चय नए से, निश्चय नए क्या मानता है, जीव को शुद्ध देखता है, राइट। तो उस अभी तक जितना बताया संवर के बारे में वो था व्यवहार नए, ठीक है, व्यवहार में हम अपने को योग सहित देखते हैं, शुद्ध शुभ योग या अशुभ योग, है ना, और उससे ऊपर उठना चाहे तो शुद्धोपयोग, लेकिन निश्चय नए ऑलरेडी डे वन से आत्मा को शुद्ध ही मानता है, तो वह दृष्टि भी देना चाह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, निश्चय नए से जीव के संवर नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वह शुद्ध भाव से सहित है, इसलिए समर भाव विमुक्तम अपानम चिंतये निच्चम।
अपानम मतलब आत्मा को कैसे चिंतन करना नित्य समवर भाव से रहित। ठीक है, तो जब हम अपने ध्यान में तो हम कैसे भी चिंतन कर सकते हैं ना, हम चाहें तो व्यवहार नय से भी चिंतन कर सकते हैं जो ऊपर बताया, और चाहें तो निश्चय नय से जब कर रहे हैं तो क्या निश्चय क्या चिंतन करना कि आत्मा सदा समवर भाव से रहित है। ठीक है, तो दोनों दृष्टियां दी हैं, दोनों ही दृष्टियों से चिंतन किया जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? दोनों हाँ चारू जी, एक बार फिर बोलिए ना, मेरा ना वो डिस्टरबेंस हो गया था, आवाज नहीं आ रही थी हाँ जी। हाँ थैंक यू। तो यहाँ पर सेम जैसा पहले भी बताया आश्रव के केस में, है ना, आश्रव में बताया था कि जीव के आश्रव नहीं होता, है ना, क्योंकि क्या मानते हैं, जीव कर्म से रहित शुद्ध है। ठीक है ना, निश्चय नय ऐसा मानता है। ठीक है, तो निश्चय नय क्लियर कर दिया, यहाँ पे डाउट नहीं करना, है ना। अगर ये वर्ड नहीं दिया होता, सोचिए आप, निश्चय नय वर्ड ना दिया होता और ये कह देते जीव के संवर नहीं है, तो सारे शास्त्र झूठे हो जाते। तो इस तरह से जब हम अपनी बात को किस अपेक्षा से हम कह रहे हैं वो क्लियर कर दें तो झगड़े का कोई कारण नहीं बचता। दृष्टियां हो सकती हैं अलग-अलग दृष्टि से, है ना। हम एक पुत्र को उसके पुत्र की दृष्टि से पिता कह सकते हैं, है ना, उसके अपने पिता की दृष्टि से वह पुत्र है, राइट। तो दृष्टियां हैं, बहन की दृष्टि से वो भाई है, पत्नी की दृष्टि से वो पति है। ठीक है ना, तो इतनी सारी दृष्टियां, तो जितने लोग उतनी दृष्टियां। ठीक है, तो हमें देखना है कि हम जब चिंतन कर रहे हैं हम किस नए से चिंतन कर रहे हैं, तो ये क्लैरिटी भी हमें अपने अंदर में होनी चाहिए। जब हमारा मन है कि हम और अंदर जाएं और अंदर जाएं, है ना, तब हम निश्चय नय का सहारा लेते हैं। निश्चय नय के सहारे में जीव शुद्ध देखा जाता है। तो जब शुद्ध है तो उसके ना आश्रव है, ना संवर है, ना बंध है, ना निर्जरा है ना, ऑलरेडी मोक्ष है, कर्म रहित अवस्था है। ठीक है ना, हम अपने को जब कहते नहीं है सिद्धो हम, मैं सिद्ध हूं, तो ये जो सिद्ध हूं ये कहना है, ये निश्चय नय से कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमें समझने की है। क्लियर हुआ? जी, वो सुना है, डिस्टर्बेंस हो गया था मेरे घर में, वो सुना है नेट का थोड़ा। अभी नो प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, उसके बाद अपनी दो गाथाएं और कर लेते हैं यहाँ पर आज, उसके बाद अपन थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बंध पते सगगलनम निच्चरणम इति जिने ही पण्डत्तम जेन हवे संवरणम तेन दुणिच्चरणम इति जाना। तब ये क्योंकि निर्जरा अनुप्रेक्षा है ना, निर्जरा अनुप्रेक्षा में क्या कह रहे हैं, बंद पदेश गलनम, गलनम गलना दूर होना, बंधे हुए कर्म का अलग होना क्या है, निर्जरणम निर्जरा है, इदि ऐसा जिने ही जिनेन्द्र पण्डत्तम बताया है, प्रणीत है ना। तो बंधे हुए कर्मों का गलना निर्जरा है ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। जेण हवे संवरणम, जेण हवे संवरणम मतलब जिन से संवरणम होता है, संवरण होता है, तेण दु उनसे ही निज्जरमिति निर्जरा भी होती है ऐसा जानना, जान। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से कुछ नया क्लियर कर रहे हैं। एक तो पहले बता दिया निर्जरा किसे कहते हैं। ठीक है, तो निर्जरा किसे कहेंगे, बंधे हुए कर्म का आत्मा से अलग हो जाना, कर्म प्रदेशों का, है ना, आत्म प्रदेशों से अलग हो जाना निर्जरा है। ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है, क्योंकि कर्म को कोई देख नहीं सकता। ठीक
ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कभी भी साइंटिस्ट कर्म को देख पाएंगे, महसूस जरूर कर सकते हैं, है ना? तो एक सेकेंड, ठीक है? तो ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है, तो हम जब ऐसा मानकर चलते हैं तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है? धर्म ध्यान हो जाता है। आज्ञा विजय धर्म ध्यान। हम जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा? बंधे हुए कर्म का अलग होना प्रोसेस जो है वो निर्जरा है। अगर हम ऐसा ही चिंतन करें तो भी हमारा धर्म ध्यान होता है। अब कह रहे हैं कि फिर ये निर्जरा होती कैसे है? ठीक है, निर्जरा को वैसे तो अगर हम देखें तत्वार सूत्र जी में तो कहा कि तपसा निर्जरा, तप से निर्जरा होती है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जिन कारणों से संवर होता है उसी कारण से निर्जरा होती। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, क्योंकि क्या होता है, हमने संवर के जब विषय चल रहा हमारा जैन धर्म और दर्शन में, है ना, तो संवर के कारण में क्या क्या बताया था? गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र। ठीक है, तो गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र, ये किसके लिए मुख्यता से बताएं? हम तो पढ़ लेते हैं, एक गृहस्थ होकर हम पढ़ लेते हैं, लेकिन ये एक्चुअल रूप किसके लिए लेता है? जिसके पास महाव्रत होता है। ठीक है, तो महाव्रत करने वाला ही संवर कर सकता है। और सिंपल सी बात है, महाव्रती ही तप कर सकता है, महाव्रती के ही निर्जरा होती है। अपने यहाँ माना कि निर्जरा होती है, हमारी निर्जरा कौन सी है? जो अपन कर्म उदय में आएगा, अपना फल देगा और निर्जरित हो जाएगा। ठीक है ना, अपना काम करके जो निर्जरा होती है वह हम सबके हो रही होती है, राइट? लेकिन जो महाव्रती हैं यानी मुनि महाराज हैं, उनके संवर सहित निर्जरा होने का कारण क्या है? संवर जो वो गुप्ति करते हैं, तीन गुप्ति, है ना, समिति चलते फिरते देखकर करते हैं, धर्म को धारण करते हैं, अनुप्रेक्षाओं का भी रियल काम जो होता है, बारह भावनाओं का चिंतन भी जो मेन कार्यकारी होता है, कब होता है? महाव्रत धारण करने के उपरांत ही। इसीलिए बार बार जो निश्चय नहीं की बात बताई जा रही है, ये महाव्रती की अपेक्षा से बताई जा रही है, क्योंकि ये गृहस्थ के लिए तो फोकस करना ही, शांत बैठना ही बहुत मुश्किल है। वह तो 48 मिनट के लिए भी शांति से बैठ नहीं सकता, है ना? तो बारह भावनाओं के चिंतन में भी हमें बहुत तरह का सहारा लेना पड़ता है। तो रियल चिंतन कौन कर पाता है बारह भावनाओं का, जिनको निर्देश दिया गया, वो है महाव्रती, है ना? तो उस अपेक्षा से यहाँ पर आचार्य ने कह दिया कि जो कारण संवर का है ना, वही कारण निर्जरा का भी है। तो पहले संवर होगा, ठीक है, और फिर जिन जिसने संवर किया है वही निर्जरा भी करता है, ठीक है ना? तो उन मुनि महाराज ने महाव्रत ले लिए, सारे व्रतों से छूट गए, सारे पापों से छूट गए, सॉरी, है ना? तो अब गुप्ति में बैठे हैं, राइट? तो गुप्ति में जिस समय बैठे होते हैं, ध्यान में बैठे हैं, राइट, उस समय अनंत गुणी निर्जरा कर रहे होते हैं। सिर्फ वो महाव्रत लेने मात्र से उनके अनंत गुणी निर्जरा हर समय होती रहती है, ठीक है ना? और फिर उसके अलावा तो वो गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र का पालन करते ही हैं। इन सब में से किसी ना किसी का उनके चलता ही रहता है। समिति तो हर समय पालन करते हैं मुनिराज, है ना? पंच समिति सुना होगा, है ना? पंच समिति क्या है? जब उठाना, रखना, देखना, चलना, है ना, निक्षेपण करना, विसर्जन करना, ये सब देख कर करना,
ये समिति कहलाता है। तो पंच समिति को संवर का कारण बताया, ठीक है ना। और जब वो समिति में होते हैं, कर रहे होते, उस समय भी अनंत गुणी निर्जरा उनके चल रही होती है। इसलिए उस अपेक्षा से यहाँ पर बता दिया कि जिस कारण से संवर होता है उसी कारण से निर्जरा होती है। बात समझ में आई? जी, हाँ चारू जी, आपने हाथ रेस किया। चारू जी, जैसे कोई मतलब हम लोगों जैसे कोई अगर सरलेखना से उनकी मृत्यु होती है तो क्या उनकी भी मृत्यु से पहले निर्जरा होती है या सिर्फ मुनि महाराजों की होती है? मुनि महाराज के ही होती है। एक्चुअली अपन जो करते हैं या अपना मरण जो हम कर सकते हैं वो एक तरह का उपचार से समाधि मरण है, शुभ कह लीजिए, यू नो। तो हमारा उस समय भी ये नहीं कह सकते कि निर्जरा हो रही है ना। भले ही हम अच्छा, अपना आगे कल्याण कर लेते हैं, परंपरा से वो कारण बन जाएगा, ठीक है, लेकिन निर्जरा कर रहे हैं ऐसा नहीं कह सकते। मतलब शुभ कर्म जोड़ लेते हैं लेकिन जो हैं वो नहीं कुछ कर नहीं पाते उनका। सातिशय पुण्य का बंद करते हैं जो हमारे आगे चलकर निमित्त बन जाते हैं हमारे उपकार में, जैसे हमारे वैराग्य में कोई कारण बन जाए, है ना, या हम साधना कर रहे हैं उसमें कोई तपस्या में कारण बन जाए, तो वो हमारे पूर्व भव के सातिशय पुण्य किए हुए होते हैं तो वो कारण बन जाते हैं, ओके, थैंक यू चार जी। तो मुनि महाराज का लेकिन जब होता है तो उनका उनकी अच्छी निर्जरा मतलब होती है उनकी अनंत इस गुणी उसमें भी। हर समय होती है, हर समय जैसे ही मुनि बनते हैं, है ना, तब से शुरू हो जाती है ओके, उनकी निर्जरा होना। बहुत बड़ी चीज है, मुनि बनना कोई मुनि प्रोसेस बनना नहीं है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी ना। राइट। बनना, भले ही उनके परिणाम बिगड़ जाएं, भले ही उनके संलेखना बिगड़ जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने, क्योंकि व्रतों को, महाव्रतों को धारण किया, अनंत गुणी निर्जरा करी, तो उनका ये समझ लीजिए कि आगे चलकर मोक्ष निकट है, ठीक है। राइट, थैंक यू चर्च। समय कम है तो अपन अभी ध्यान के लिए चलते हैं, 15 मिनट का ध्यान करेंगे। सभी अपना मन बना लें, जहां पर हैं, जैसे भी अवस्था में बैठे हैं, चेयर पर हैं, नीचे बैठे हैं, जैसा भी, अपने ध्यान को, फोकस को इधर ले आएं। तीन गहरे सांसों को लेंगे। अपने ध्यान को पूरी तरह से अपनी सांसों पर लें। अगर कोई आवाज आ रही है कानों में, उस पर ध्यान ले आए। हाथों पैरों में कैसा महसूस दे रहा है उसको महसूस करें। पूरी तरह से अपने मन को बाहर से हटा लें। थोड़ी देर के लिए महसूस करें कि मेरा सब चीजों का, सारे परिग्रह का त्याग है जब तक मैं इस ध्यान में हूं। मेरा कुछ भी नहीं है, सिर्फ इन कपड़ों के जो मैंने पहने हैं, या इस आसन के जो मैंने, जिस पर मैं बैठा हूं या बैठे हूं, मेरा कुछ भी नहीं। हम इस शरीर के और अंदर की तरफ जाएंगे। ये शरीर भी मेरा थोड़ा
थोड़े समय का साथी है। इसलिए शरीर पर से भी नजर हटाना है, दृष्टि को हटाना है। मैं शरीर से भी परे हूं, इस शरीर के अंदर मैं हूं, सिर्फ देखने जानने वाला। मेरा कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, कोई स्पर्श नहीं। मैं कोई रोशनी नहीं, मैं कोई वाइब्रेशन नहीं। मुझे पकड़ पाना आसान नहीं। पर मैं सर्वशक्तिमान हूं। मैं एक शक्ति हूं। मैं कर्मों से भी रहित हूं। बिल्कुल शुद्ध अवस्था। थोड़ी देर के लिए अपने आप को इन विचारों से भी अलग, सिर्फ अंदर में महसूस करना है कि कुछ है अमूर्तिक अदृश्य, वह मैं हूं। अगर ध्यान विचारों की तरफ जाए, तरह तरह के विचार आए, वापस से अपने ध्यान को उस अदृश्य की तरफ ले आए जो इस शरीर में है। वह मेरी असली पहचान, द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव से परे। अनंत काल से बना हुआ और अनंत काल तक बना रहने वाला मैं हूं। बस देखने जानने वाला। जो इस ध्यान को होते हुए भी देख रहा है, वह मैं हूं। यही मेरा शुद्ध स्वरूप अपने आप में पूर्ण हूं।
मेरे ही अंदर सारी अबंडेंस है। मेरे ही अंदर सारा ज्ञान है। मेरे ही अंदर सारा सुख है। अपने आप को एक महाव्रती के समान समझें, जिसने पांचों पापों का त्याग कर दिया और अब सारे संकल्प विकल्पों से दूर सिर्फ अपनी आत्मा के ध्यान में पंच परमेष्ठी के ध्यान में मोक्ष ही लक्ष्य है जिसका। केवली भगवान के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। अपनी शुद्ध आत्मा के ध्यान में लगे हैं। सब कुछ छोड़ दिया। उत्तम आकिंचन धर्म का पालन कर रहे हैं। कुछ भी मेरा नहीं। मैं तो बस एक शुद्ध तत्व हूँ। अपने अंदर एनर्जी को फील करिए, जो सब कुछ देख जान रही है। वह हम हैं। वही मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। पूरे दिन भर में जो भी क्षण मेरे साथ मैंने अपने लिए अपने द्वारा अपने में बिताए, वही कार्यकारी हैं।
बाकी सब तो समय की बर्बादी है। अमूर्तिक तत्व का चिंतन, उसी का ध्यान करते रहें। शरीर में अवस्थित, सिर्फ देखने जाने में। ऑब्जर्वर, सो अपने ध्यान को वापस इस शरीर में ले आए, शरीर से बाहर इस कमरे में ले आए जहां बैठे हैं। हाथों को रगड़कर आंखों पर लगाने, आप अपनी आंखें अब खोल सकते हैं।